गाइस बी टाउन हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेल बॉटम के डे टू के प्रेडिक्शन के बारे में। और दोस्तों डे वन का ऑफिशियल कलेक्शन आ गया है, तो दोस्तों मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप भी अगर बेल बॉटम फिल्म का डे बाय डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानना चाहते हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करना मत भूले। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कल ये फिल्म रिलीज हो चुकी है थिएटर पर और दोस्तों इस फिल्म की जो ऑडियंस एक्यूपेंसी थी वो 30 से 20 के बीच में रही थी पहले दिन। और दोस्तों पहले दिन इस फिल्म ने ऑफिशियली 3 करोड़ 10 लाख का कलेक्शन किया। हालांकि दोस्तों फैंस को और दोस्तों मुझे इस फिल्म से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि ये फिल्म पहले दिन लगभग 8 से 9 करोड़ की ओपनिंग लेगी, लेकिन दोस्तों उतना बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दे पाई ये फिल्म। हालांकि फिल्म को मिक्स रिव्यू मिले हैं, इतने बेहतरीन रिव्यू भी नहीं मिले। और दोस्तों कई लोगों का कहना है कि ये फिल्म बेबी और एयरलिफ्ट का कॉम्बो है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ये फिल्म एक सत्य घटना पर आधारित फिल्म है। दोस्तों पहला जो पार्ट था फिल्म का वो बहुत ही स्लो था, लेकिन दोस्तों सेकंड पार्ट में ये फिल्म ग्रो करती है। अब दोस्तों दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन करूँ तो ये फिल्म मेरे ख्याल से ये फिल्म आराम से 3.5 करोड़ का कारोबार कर सकती है। अगर दोस्तों इतना करती है तो ये बेहतरीन रहेगी। और दोस्तों तीसरे दिन ये फिल्म अगर 4 करोड़ कमा लेती है तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रहेगा। हालांकि दोस्तों ऐसी सिचुएशन में कोई बड़े स्टार अपनी फिल्म रिलीज नहीं कर रहे थे, लेकिन दोस्तों अक्षय कुमार ने अपना जज्बा दिखाया और उन्होंने फैंस के लिए और थिएटर के लिए फिल्म रिलीज की है, उसके लिए हैट्स ऑफ दोस्तों। और ऐसी फिल्में रिलीज करते रहे थिएटर वाले थिएटर पर तो अच्छी बात है। दोस्तों थिएटर काफ़ी समय से बंद था तो उनको भी थोड़ी कमाई हो सकती है। तो दोस्तों आपने ये फिल्म देखी तो कैसी लगी और दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये फिल्म अपना बजट रिकवर कर पाएगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।